इसराइल और हमास की जंग का आज 25वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना ने बताया कि सोमवार रात उन्होंने हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, मिलिट्री कंपाउंड और जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें शामिल थी। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलिल स्मोटरिच ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि नवंबर में फिलिस्तीन अथॉरिटी को कोई फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन सुबह 8 बजे नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित पहुंचे। उन्होंने यहां लोह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल की यहां 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट ने 28 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। 9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को सीआईडी ने नांदेयाल से गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने बताया कि नायडू को म्यूकल ग्राउंड पर राहत दी गई है। इंदौर में मंगलवार को विधानसभा चुनावों के लिए जमा कराए गए नामांकन फॉर्म की जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश जैन का नामांकन खारिज कर दिया। इसके बाद जैन और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हर साल अक्टूबर से शुरू होने वाली ठंड के तेवर पूरे माह फीके ही रहे। बीते एक दशक में यह पहला मौका है जब अक्टूबर का पूरा माह लगभग गर्मी के एहसास के साथ बीता। खास बात यह है कि माह के आखिरी दिनों में भी रात को ठिठुरन गायब ही रही। इस माह के आखिरी 20 दिनों में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में तीसरी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने तीनों दफा वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और 1992 की विजेता पाकिस्तान के बाद सोमवार को टीम ने 1996 के चैंपियन श्रीलंका को 7 विकेट से मात दी है। फुटबॉल के दिग्गज लियोनल मेसी 8वीं बार बैलन डी'ओर जीतने में सफल हुए। मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड को पछाड़कर इस अवार्ड को हासिल किया। पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जाओ का 11वां सीजन 11 नवंबर से शुरू होने वाला है। सीजन में मलाइका अरोड़ा, फराह खान और अरशद वारसी जज की कुर्सी संभालेंगे। हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी के निधन पर पॉडकास्टर और कॉमेडियन केविन ब्रेनन ने उनका मजाक उड़ाया है। ब्रेनन ने मैथ्यू के निधन के कारण को फनी बताया। हालांकि बाद में जब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया।